Hello guys, welcome back to another MPPSC Prelims 2019 test series video. This is the part number 3 presented by me Aditya Dubey. If you haven't watched the previous two part, then I would urge you to please watch it first, then continue with the series. Aapki kafi sari request aane ke baad maine ye decide kiya ki is paper ko main Hindi aur English dono mein conduct karunga. So I hope aapko mera initiative pasand aaye. To bina kisi deri ke shuru karte hain. Sabse pehle batana chahunga ki aap ye is paper ki PDF डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन आप ये सॉल्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं या आप इसके साथ ही सॉल्व कर सकते हैं. तो अगला पहली बात क्वेश्चन की बात करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है कि शाकल संहिता का संबंध इनमें से किस वेद से है. शाकल संहिता इज एसोसिएटेड विथ विच वेदा. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ऋग्वेद. ऋग्वेद सबसे पुराना वेद और सबसे पहला वेद कहा जाता है और इसी से संबंधित है शाकल संहिता. याद रखिएगा, शाकल संहिता इज एसोसिएटेड विथ ऋग्वेदा. अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वेदांगा एग्जिस्ट, मतलब वेदांगों की संख्या क्या है. तो वेदांगों की संख्या होती है 6, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये होती है वेदांगों की संख्या. अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है. इनमें से क्या बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक का अंग नहीं है. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटक. तो आप जानते हैं कि विनय पितक, अभिदम्ब पितक, सूत पितक होता है, हर्ष पितक नाम की कोई चीज नहीं होती. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस. अगला क्वेश्चन है, पराक्रम पर्व या सर्जिकल स्ट्राइक दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया गया. तो पराक्रम पर्व या सर्जिकल स्ट्राइक डे के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 28th of September. इस बार सेकेंड एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की गई तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. और 28th of September इज नोन एज द पराक्रम पर्व और द सर्जिकल स्ट्राइक डे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है. इंडियाज एंड एशियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर टू बी स्टैब्लिश्ड एट. तो ये किया जा रहा है बिहार की राजधानी पटना. अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईएसए के पूर्णकालिक अंतरिम महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला. हु इज द करेंट फुल टाइम इंटरिम जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज उपेंद्र त्रिपाठी. उपेंद्र त्रिपाठी अभी हाल ही में फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर जनरल बने हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के. इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताना चाहूंगा कि इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है. ओके, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और इनमें वो कंट्रीज शामिल हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं. इसमें टोटल कंट्री अगर आपसे एग्जाम में संख्या पूछी जाए तो वो है 121. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में अपना नाम चेंज करके ई स्वातनी रखा है. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दीज. क्योंकि एक कंट्री है जिसका नाम है स्वाजीलैंड जो एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करती है. आप गूगल में देख सकते हैं स्वाजीलैंड, जिसने अपना हाल ही में अपना नाम चेंज करके ई स्वातनी रखा है. अगला क्वेश्चन है कि देवी चंद्रगुप्तम की रचना इनमें से किसने की. Who authored देवी चंद्रगुप्तम. तो इसकी रचना की है विशाख दत्त ने. ओके, विशाख दत्त authored देवी चंद्रगुप्तम. अब अगला क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड पूछा गया है एमपी से रिलेटेड कि अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मतलब पश्चिम से आपको पूर्व जमाना है नीचे दिए गए डिस्ट्रिक्ट को. तो आप जानते हैं कि पश्चिम में इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो धार सबसे पश्चिम में आएगा. ओके, देन उसके बाद आएगा इंदौर, देन आएगा होशंगाबाद. तो 2, 3, 1, तो यहां पे ऑप्शन सी मैच कर रहा है 2, 3, 1. सो आप इसको मार्क कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी मंगल सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से है. मध्य प्रदेश प्लेयर मंगल सिंह इज एसोसिएटेड विद विच गेम. तो इनका संबंध है रोइंग से. ओके, रोइंग से इनका संबंध है मंगल सिंह जी का. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिजली शिकायत दर्ज करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस ऐप का अनावरण किया. टू रजिस्टर इलेक्ट्रिसिटी कंप्लेंट एमपी गवर्नमेंट लॉन्च विच मोबाइल ऐप. तो एमपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उपाय ऐप. काफी इजी क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एमपी के बेस्ड में करंट अफेयर हो सकता है. अगला क्वेश्चन है कि हर्यक डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था. द लास्ट रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी वॉज. तो हर्यक डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे बृहदत्त, ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन है कि निजाम खान के नाम से इनमें से किसे जाना जाता था. Who was known by the name निजाम खां. तो वो जाने जाते थे सिकंदर लोदी. सिकंदर लोदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये एसोसिएट होता है कि इन्होंने 1504 में आगरा शहर की नींव रखी थी, मींस आगरा की फाउंडेशन इन्होंने की थी.
अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, काफी इजी है। यहाँ पे हमें वेदा दिए हुए हैं और उससे एसोसिएटेड हमें मैच करना है कि इनसे क्या एसोसिएट हो रहा है। तो आप जानते हैं ऋग्वेद एसोसिएट होता है आयुर्वेद से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया, बी सी डी बच रहे हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद एसोसिएट करता है धनुर्वेद से, ओके, तो आप ये देख सकते हैं ऑप्शन सी और डी बस बच रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं सामवेद की, तो सामवेद एसोसिएट होता है गंधर्व वेद से, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी जो कि एसोसिएट करता है सी को फोर से, तो आपका सामवेद गंधर्व वेद। और अथर्व वेद की अगर बात की जाए तो वो शिल्प वेद से एसोसिएटेड है, तो हेंस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे सी थ्री दोबारा रिपीट हुआ है, लेकिन आप इसको डी थ्री ही कंसिडर कीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति की पदवधि इनमें से किस अनुच्छेद में दी गई है? टेन्योर और टर्म्स ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 67 में वाइस प्रेसिडेंट के टर्म के बारे में बताया गया है, मींस टर्म कितने साल का रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा का अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितना होना अनिवार्य है? मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम लोकसभा स्पीकर इज, तो आप जानते हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए भी 25 ईयर चाहिए होते हैं और लोकसभा का स्पीकर बनने के लिए भी 25 ईयर मिनिमम एज चाहिए। वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं मिसेस सुमित्रा महाजन, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना अनिवार्य है? तो मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, तो इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज 30 ईयर। अगला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस और अदर जस्टिस जो रहते हैं हाई कोर्ट के, अदर जजेस जो होते हैं हाई कोर्ट के, वो अपना रेजिग्नेशन इनमें से किसको सौंप सकते हैं? द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मे रिजाइन बाय एड्रेसिंग अ लेटर टू होम, तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को, ओके, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है? बाय विच आर्टिकल रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड टू अ हाई कोर्ट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर बी 226। तो 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट पिटीशन दायर की जा सकती है, और वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो आर्टिकल 32 के तहत लगाई जा सकती है रिट। अगला क्वेश्चन है कि अशोक मेहता कमेटी का गठन कब किया था? अशोक मेहता कमेटी फॉर्म्ड ऑन, तो ये फॉर्म की गई थी दिसंबर 1977 को, याद रखिएगा दिसंबर 1977 को अशोक मेहता कमेटी फॉर्म की गई थी। अगला क्वेश्चन है 21। स्टडी ऑफ मून इज नोन एज, स्टडी ऑफ मून को किस नाम से जाना जाता है, मीन्स चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन ए दैट इज सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है मून के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर। अब यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख सकते हैं कि डी लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको कंसिडर कीजिएगा 150 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि हेक्ला वॉल्केनो इनमें से कहाँ पे सिचुएटेड है? हेक्ला वॉल्केनो सिचुएटेड है ऑप्शन डी दैट इज आइसलैंड में, आइसलैंड में सिचुएटेड है हेक्ला वॉल्केनो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूसरी गहरी गर्त है? अब आप जानते हैं कि सबसे डीपेस्ट ट्रेंच जो है मरियाना ट्रेंच, लेकिन यहाँ पे सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच पूछा गया है, तो सेकेंड डीपेस्ट ट्रेंच है मिडनाओ, ऑप्शन सी मिडनाओ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इनमें से ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 26, एलिफेंटा पास, 26 क्वेश्चन है कि एलिफेंटा पास यहाँ कहाँ पर स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा जो स्थित है वो सिचुएटेड है श्रीलंका में, ओके, ऑप्शन डी श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका इज नोन एज, तो अफ्रीका के जो ग्रासलैंड होते हैं उनको सवाना कहा जाता है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में अगर ऑस्ट्रेलिया पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं डाउन्स, ओके। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने नोबेल प्राइज जीता है 2018 का लिटरेचर में, मींस साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता? तो इस बार साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिला, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ दीज, ओके। और अगर आपको ऑप्शन ए और बी की बात की जाए, विलियम नॉर्दहॉस एंड पॉल रोमर की, तो इन्होंने इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज जीता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29। अगला क्वेश्चन है कि पोटोमैक नदी किस किनारे कौन सा शहर स्थित है?
विच सिटी इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर पोटोमैक? तो ये सिचुएटेड है यूएसए की कैपिटल जो है वॉशिंगटन, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पाली और भीलवाला किस चीज के लिए फेमस है, तो पाली और भीलवाला जो है ये थोरियम रिजर्व के लिए फेमस है और ये सिचुएटेड है हमारे राजस्थान में। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पे है? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये जो सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है बिलासपुर में, याद रखिएगा बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से कहां पे सिचुएटेड है? तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है गोवा में। ओके, गोवा में सिचुएटेड है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि काकीनारा से मरक्कम किस वाटरवे के थ्रू कनेक्ट होते हैं? तो ये आप याद रखिएगा, काकीनारा से मरक्कम कनेक्ट होते हैं नेशनल वाटरवे 4 से, नेशनल वाटरवे 4 से कनेक्ट होते हैं काकीनारा से मरक्कम। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जम्मू टू श्रीनगर आर कनेक्टेड बाय विच पास, मतलब जम्मू से श्रीनगर कौन सा दर्रा जुड़ता है? तो ये जो जुड़ते हैं ये होता है ऑप्शन ए दैट इज जोजिला। जोजिला पास जो है वो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि कसौली हिल्स स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है? तो कसौली हिल्स स्टेशन सिचुएटेड है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है कसौली हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है कि सापुतारा हिल स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है? तो वो सिचुएटेड है गुजरात में, ऑप्शन डी गुजरात इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38 कि मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क किस देश के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो जो एमपी में ग्लोबल स्किल पार्क जो डेवलप किया जा रहा है वो भोपाल में किया जा रहा है और ये डेवलप किया जा रहा है ऑप्शन बी सिंगापुर के सहयोग से, याद रखिएगा सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क डेवलप किया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। अगला क्वेश्चन है कि रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी 1975 को, याद रखिएगा 1975 इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर क्वेश्चन 40 की बात की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई, टिस्को की स्टेब्लिशमेंट कब हुई, तो वो हुई थी 1907 को, 1907 को। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पहली औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस ऑन विच ईयर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 1948 को फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी 25th of September 2014, याद रखिएगा 25th of September 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी और इस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे भी है, मींस 2014 में नहीं बट ये 25th of September कंसिडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक नैनो सेकेंड में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो एक नैनो सेकेंड में होते हैं 10^9 सेकेंड, मीन्स 10^-9 सेकेंड कंसिस्ट ऑफ 1 नैनो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 44 कि पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या है? पोटेंशियल को हिंदी में विभव कहते हैं, विभव की एसआई मात्रक है तो वो है वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या ईथेन का एक फॉर्मूला है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथेन? तो ये है C2H6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 46 कि पॉरीफेरा वर्ड के जनक कौन है, मींस पॉरीफेरा वर्ड कॉइन्ड बाय हूम? तो ये क्वाइन किया गया था 1825 में रॉबर्ट ग्रांट जी के द्वारा। ओके, रॉबर्ट ग्रांट क्वाइंड द टर्म पॉरीफेरा इन द ईयर 1825। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इजी है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लीवर, जिसको याकृत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है MRI फुल फॉर्म क्या है? तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ MRI। अगला क्वेश्चन है 49 कि ब्लैक रस्ट एक प्लांट डिसीज है जो कि कवक के द्वारा होती है, मींस किस कवक के द्वारा, किस फसल में होती है, मींस काला किट कवक जनित पादप रोग निम्न से किस में होता है? तो ये होता है बीट में, मींस गेहूं में। अगला क्वेश्चन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मींस BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1965 को। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 51। अब पूछा गया है विवाल्डी इनमें से क्या है? तो विवाल्डी एक वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा विवाल्डी इज द वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 52 है, आचार्य विनोबा भावे जी को
रमन मैग्सेसे अवार्ड किस वर्ष दिया गया, मींस आचार्य विनोबा भावे को रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1958 को। अब एक और फैक्ट एसोसिएट होता है, इंपॉर्टेंट है, जो कि आचार्य विनोबा भावे जी से एसोसिएटेड है। इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? तो इनको भारत रत्न दिया गया था 1983 में। और अगर रमन मैग्सेसे की बात की जाए तो वो मिला था 1958 को। अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के लेखक इनमें से कौन है, हु ऑथर्ड रामचंद्रिका? तो रामचंद्रिका के जो ऑथर हैं वो है ऑप्शन ए, दैट इज केशव दास। केशव दास इज द ऑथर ऑफ रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि FAO की स्थापना किस वर्ष की गई? तो FAO की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1945 को। 1945 को FAO की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये इस साल की सबसे बड़ी न्यूज में से एक था कि हिस्टोरिक नॉर्थ कोरिया और यूएसए की समिट इनमें से किस दिन को हुई थी, ऐतिहासिक उत्तर कोरिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सम्मेलन किस दिनांक को हुआ? तो आप ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कि 12th of June 2018। देखिए पिछले साल MBBSC का जो एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूछा गया था जेरूसलम को यूएसए ने कब ऑफिशियली इसराइल की कैपिटल डिक्लेयर किया, तो वो भी आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज ये क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 कि हिस्टोरिक नॉर्थ कोरिया और यूएसए की समिट कहां पे हुई थी। तो पहले आपको डेट बताया गया क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो कि है 12th of June 2018। नादिया मुराद ने रिसेंटली कौन सा नोबेल प्राइज जीता है? तो नादिया मुराद का संबंध इराक से है और इन्होंने रिसेंटली पीस में नोबेल प्राइज जीता है। तो ऑप्शन होगा इसका डी, दैट इज नन ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भरूत स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है? भरूत स्तूप इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो भरूत स्तूप सिचुएटेड है सतना में। ओके, सतना में सिचुएटेड है भरूत स्तूप। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएट होता है कि भरूत स्तूप की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने। आपको कुछ बुक में 1875 भी मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक सोर्सेज से पता चला है कि 1873 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 60th, जहांगीर महल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो जहांगीर महल की अगर बात की जाए तो ये ओरछा में सिचुएटेड है। और आप ये जानते हैं कि निवाड़ी हमारा नया रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट एक फॉर्म हुआ है, तो ओरछा जो तहसील है वो निवाड़ी में चली गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब निवाड़ी की बात चली है तो निवाड़ी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तीन तहसील कौन सी है निवाड़ी में जो निवाड़ी को मिली है टीकमगढ़ से? तो वो मिली है पहली ओरछा, दूसरी निवाड़ी खुद और तीसरी पृथ्वीपुर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 62 कि महावीर स्वामी का जन्म कहां पे हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, जो कि सिचुएटेड है वैशाली। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया? फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल सबसे पहले अपनाया था फ्रांस ने, जो कि अपनाया था 1948 को। याद रखिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1948 को अडॉप्ट किया था फ्रांस ने मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया फ्रांस से इंस्पिरेशन लेके। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के समय केंद्रीय कृषि मंत्री इनमें से कौन थे? हु वॉज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन? तो इंडिया की पहली जो हरित क्रांति थी, मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन थी, उसका ईयर इंपॉर्टेंट है पहली बात तो 1966 से 67। और उस समय हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो थे मिस्टर C.S. सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 कि कॉस्पी एक स्टॉक प्राइस इंडेक्स है किस देश का? कॉस्पी इज अ स्टॉक प्राइस इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? तो वो है कोरिया का। याद रखिएगा, ऑप्शन बी कोरिया इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लकड़वाला समिति का संबंध इनमें से किससे है? लकड़वाला कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो लकड़वाला कमेटी का संबंध है गरीबी से। ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि NREP मींस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो आप याद रखिएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1980 से। अगला क्वेश्चन है कि CSO मींस सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो CSO की स्थापना हुई थी, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 2nd of May 1951। 2nd May 1951 को CSO की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 69 कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बात की जाए, मींस राष्ट्रीय विकास परिषद की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है? तो
5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट जो हमने लिया हुआ है वो लिया हुआ है रशिया से। ओके अगला क्वेश्चन है कि गार्डगिल प्लान का संबंध इनमें से किस पंचवर्षीय योजना से है। तो गार्डगिल प्लान का संबंध इनमें से 4th 5 ईयर प्लान से है। क्वेश्चन नंबर 72 की अगर बात की जाए तो ये है कि इमरजेंसी प्रोविजन मीन्स आपातकाल उपबंध हमने किस देश से लिए हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने जर्मनी के वीमर रिपब्लिक से लिए हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है कि SCST एक्ट 1989 में रिमूवल ऑफ पर्सन लाइकली टू कमिट ऑफेंस इज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन। मींस अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है वो किस धारा में वर्णित है। तो ये मेंशन है हमारे सेक्शन नंबर 10 में। SCST एक्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि आप इसके टोटल मींस सेक्शंस कितने हैं। तो इसके टोटल सेक्शंस की अगर बात की जाए तो वो है 23 सेक्शन अगर 89 की बात की जाए, और अगर PCRA मींस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट की बात की जाए तो उसमें टोटल सेक्शंस हैं 17, और वहीं अगर ह्यूमन राइट एक्ट की बात की जाए जो कि 1993 का है तो उससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह एसोसिएट होता है कि उसमें जो टोटल सेक्शंस हैं वो है 43, और आपसे अगर चैप्टर्स पूछा जाए तो ह्यूमन राइट एक्ट में टोटल चैप्टर्स हैं 8। अगला क्वेश्चन है कि SCST एक्ट 1989 में इकोनॉमिक बॉयकॉट की डेफिनेशन इनमें से किस सेक्शन में दी गई है। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के क्लॉज 1 सब क्लॉज BC। ओके इकोनॉमिक बॉयकॉट इज मेंशनड अंडर BC। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 की SCST एक्ट 1989 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन इनमें से किस सेक्शन में दी गई है। तो पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज BG, मींस BG में मेंशन किया गया है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 में कमीशन के फंक्शन इनमें से किस सेक्शन में मेंशन किए गए हैं। तो कमीशन का जो फंक्शन है वो मेंशन किए गए हैं सेक्शन नंबर 12 में। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरी इज मेंशनड अंडर विच सेक्शन। तो पावर्स रिलेटेड टू इंक्वायरी इज मेंशनड अंडर सेक्शन नंबर 13। अगला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79 कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि टोटल चैप्टर्स अगर ह्यूमन राइट की बात की जाए तो उसमें है टोटल चैप्टर्स 8, वहीं अगर SCST एक्ट 1989 की बात की जाए तो उसमें टोटल चैप्टर है 5। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 का सिटेशन नंबर क्या है, मींस सांख्यांक बताना है आपको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का सांख्यांक है 10। याद रखिएगा 10 इज द सिटेशन नंबर ऑफ ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1993। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपको ऑप्शन ए 13-12 दिया हुआ है, मींस 1312 किलोमीटर। तो ये टोटल लेंथ है नर्मदा रिवर की, लेकिन अगर आपको एमपी की रिवर मींस एमपी में नर्मदा रिवर की लंबाई कितनी है तो वो आपको याद होगी 1077 मींस 1077 किलोमीटर इज द लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। ओके तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का नोबेल जीतने वाली एकमात्र महिला कौन सी है। ओनली वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये है एलिनॉर ऑस्ट्रम। एलिनॉर ऑस्ट्रम इज द ओनली वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती रिवर का उद्गम कहां से होता है, मींस ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर। तो ताप्ती जो रिवर है उसका ओरिजिनेशन होता है बैतूल से, और बैतूल में भी स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए तो मुल्ताई ग्राम से ओरिजिनेट होती है। ओके और ताप्ती से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएट होता है कि सूरत जो शहर है जो गुजरात का वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ओके लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि रोलिंग प्लान का इनमें से कौन सा कार्यकाल कंसिडर किया जाता है। तो रोलिंग प्लान जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है 1978 से 1980 तक। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, मींस विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल 1948 से। 1948 इसलिए क्योंकि जो WHO है मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना हुई थी 1948 को, जो कि एग्जैक्ट डेट अगर बात की जाए तो 7 अप्रैल। तो उस दिन से वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, बुल फाइटिंग का संबंध इनमें से किस देश से है, मींस बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो वह है हमारे स्पेन का, और स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90
कि वाटर पोलो में टोटल प्लेयर्स कितने होते हैं, तो वाटर पोलो में जो प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं 7, लेकिन अगर आपसे पोलो के पूछे जाए, मीन्स क्वेश्चन नंबर 91 पूछा जाए, तो पोलो में होते हैं टोटल 4 प्लेयर। ओके, टोटल प्लेयर्स पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप ऐसे याद करने के लिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है, तो पोलो जो है वो 4 अल्फाबेट से बना हुआ है, तो इसी तरीके से 4 प्लेयर होते हैं। ओके, और वाटर पोलो में आपको 3 और ऐड कर देने पोलो में। अगला क्वेश्चन है 92 कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन से थे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, रविशंकर शुक्ल वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश। और अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि एमपी की पहली वुमेन सीएम कौन है, तो वो है उमा भारती जी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन कि बुंदेला रिवोल्ट किसके द्वारा लीड किया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि मैंने पूरा कंप्लीट टाइप नहीं किया है गलती से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि जबलपुर में बुंदेला रिवोल्ट का नेतृत्व इनमें से किसने किया था, जबलपुर में बुंदेला रिवोल्ट का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। तो ये है इसका सही आंसर, मधुकर साहू। मधुकर साहू लेड द बुंदेला रिवोल्ट इन मध्य प्रदेश, स्पेशली इन जबलपुर। अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी इनमें से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। आईपीसी इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ मैक्सिको। ओके, मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से क्या क्रेडिट रेटिंग का इंडिकेटर नहीं होता है। तो क्रेडिट इंडिकेटर की अगर बात की जाए, क्रेडिट रेटिंग की, तो ये 6 तरीके के इंडिकेटर होते हैं। अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं तो यह है ऑप्शन डी, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्रेडिट रेटिंग के इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो पहला होता है ट्रिपल ए, डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी, ओके, डबल सी और देन डी। तो ये होते हैं हमारे इंडिकेटर्स क्रेडिट रेटिंग के, याद रखिएगा। डबल बी नाम का कोई इंडिकेटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेबी की स्थापना इनमें से किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुई थी। तो ये हुई थी दामोदर कमेटी की रिकमेंडेशन पे। सेबी की अगर बात की जाए, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। वहीं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर बात की जाए, तो वो मिला था 30 जनवरी 1992 को। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और सेबी के जो करेंट चेयरमैन हैं उनका नाम है मिस्टर अजय कुमार त्यागी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एसोसिएट होते हैं सेबी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 की पहला राज्य जिसने मृत्यु जनगणना शुरू की, मींस फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट डेथ सेंसस वॉज, तो वो था कर्नाटक। मींस कर्नाटक ने शुरू की थी सबसे पहले डेथ सेंसस। और वहीं अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 98 की कि हितोपदेश के ऑथर इनमें से कौन है, तो हितोपदेश की जो रचना की थी वो की थी नारायण पंडित जी ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम का अटोमिक नंबर क्या है, मींस अणु क्रमांक क्या है लिथियम का। तो आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, 2 होता है, 2 होता है मींस हीलियम का, और 3 होता है लिथियम का। ओके, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 काफी इजी है कि एमपी के पहले गवर्नर कौन थे, मींस एमपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे मिस्टर पट्टाभी सीतारामैया। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जब एमपी का पार्टीशन हुआ था सीजी से ईयर 2000 में, मींस 1 नवंबर 2000 में, तो उस समय एमपी के जो गवर्नर थे वो भाई महावीर थे। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मींस 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आई नो उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, मींस मैंने 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें रिमूव किए हैं, लेकिन फिर भी इतना चलता है। और आपको आई थिंक पसंद आया हो, और यदि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए, मींस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन and good luck.